पूरी दुनिया को जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए, अंग्रेजों ने जाते जाते कहा था कि ये तो हम थे जो 100-125 साल तक भारत के ऊपर हमने राज करके भारत को एक साथ रखा, अब देखना हमारे जाने के बाद इनसे अपना देश नहीं चलने वाला, इन लोगों से भारत एक साथ नहीं रहेगा। ऐसे अंग्रेजों को भी लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था। दोस्तों आज 70 साल हो गए, भारत एक साथ भी है और खूब तेजी से तरक्की भी कर रहा है, और उसका केवल एक कारण है, हमारे देश का यह संविधान। ऐसे देश का संविधान लिखना जिसमें इतने सारे धर्म थे, इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृति, इतनी जाति, इतनी विविधता, ऐसे देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान पढ़े, सारे देशों के संविधान पढ़े, जहां से जो जो अच्छा मिला वो सारा उन्होंने इस संविधान के अंदर डाला, और इतना शानदार संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को दिया। संविधान में लिखा है बराबरी का अधिकार होगा। अभी तक यहां इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता था और कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता था, क्या उनको बराबर की शिक्षा मिलती थी? नहीं मिलती थी। तो क्या बराबरी का अधिकार था? नहीं था। मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, हम सरकार चला रहे हैं, सरकार की नजरों में, मुख्यमंत्री की नजरों में एक बच्चा अगर गरीब घर में पैदा होता है और एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, मैं उन दोनों बच्चों के बीच में फर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, हमने अपने सामने सबसे पहला लक्ष्य रखा कि इस गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दिला के रहेंगे हम लोग। दिल्ली में एक जो भी बच्चा दिल्ली में पैदा होगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी। दोस्तों आज 5 साल के अंदर हमने वो करके दिखाया, बाबा साहब अंबेडकर का एक सपना पूरा किया हम लोगों ने। हमारे संविधान में लिखा है जीने का अधिकार होगा। पहले एक गरीब आदमी के घर अगर कोई बीमार होता था वो सरकारी अस्पताल में जाता था, सरकारी अस्पताल में इलाज का बुरा हाल था। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में वैसा ही अच्छा इलाज है जैसा प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज हो रहा है। लोगों को हमने जीने का अधिकार दिया। दिल्ली के अंदर हमने योजना बनाई, अभी तक अगर किसी का एक्सीडेंट होता था कोई उसको बचाने के लिए नहीं जाता था, वो बेचारा सड़क पे पड़ा रहता था, लोग सड़क पे गुजर जाया करते थे, लोगों को लगता था मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, मैं अगर इसको अस्पताल में ले गया तो अस्पताल वाले मेरे से पैसे मांगेंगे। अब हमने कहा है कि पैसे की चिंता मत करो, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जो भी उसको देखता है तुरंत उसको नियरेस्ट अस्पताल में पहुंचाओ, कितना भी महंगा अस्पताल होगा सारे पैसे दिल्ली सरकार देगी। संविधान में लिखा है गरीबी दूर करेंगे। गरीबी कैसे दूर होगी? केवल नारे लगाने से दूर नहीं होगी गरीबी। हमने दिल्ली के गरीबों का मिनिमम वेज बढ़ाया, एक एक गरीब मजदूर को, एक एक गरीब कर्मचारी को हमने 15-15 हजार रुपए महीने की तनख्वाह दिलवाई। गरीबी तब दूर होगी दोस्तों। मुझे ये लगता है अगर ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान एक दिन के लिए अच्छे से लागू हो जाए, ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा।